साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है डी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित या पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर उसका जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा बी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। हमसे जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल है ईजी स्टडी फार्मेसी। और जो विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया, डी फार्मा के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, डी फार्मा के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले, जैसे ही आपका एग्जाम होता है, अगर आप डी फार्मा हैं, अगर आप बी फार्मा भी हैं, तो थर्ड ईयर में जो है ये ट्रेनिंग होती है। साथियों, किसी किसी इंस्टीट्यूट में फोर्थ ईयर में भी होती है। कहने का मतलब है 2 टाइम ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। तो डी फार्मा है उसमें तो कंपलसरी है साथियों, 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, मिनिमम 500 आवर्स की होती है। उसके बाद ही जो है रजिस्ट्रेशन आपका होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। वहां पे जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। उसी तरह से साथियों, बैचुलर डिग्री होती है, बैचुलर कोर्स होता है, बी फार्मा होता है, उसमें 45 डेज की, कहने का मतलब है मिनिमम 150 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। साथियों, थर्ड ईयर में जो है वहाँ से हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म इशू होता है और उसको आप विधिवत फिल करके अपने नज़दीकी जो है सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे भी फार्मासिस्ट पोस्टेड है, आप वहाँ सबमिट करेंगे, आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे। साथियों, सीक्वेंस वाइज मैं बताऊंगा कि अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम दे दिया है, एग्जाम देने के तुरंत बाद आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हैं, कहते हैं सर मेरी मार्कशीट नहीं आई है, उसका कोई नहीं है। रूल के मुताबिक यह हुआ है कि जैसे डी फार्मा एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद तुरंत आप हॉस्पिटल में जाएंगे और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट तुरंत आपको फॉर्म जो है इशू कर देगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म, और उस फॉर्म को लेकर नज़दीकी जो है जिला अस्पताल या महिला जिला अस्पताल CSC PSC या CMO के माध्यम से आपको ट्रेनिंग करने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है कि साथियों, किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से एग्जाम देके जब हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहां से 3 सेट फॉर्म मिलता है, साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। साथियों, एप्लीकेशन आप अपनी लोकल भाषा में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसा कि ये विद्यार्थी का एक फॉर्म है, इसमें लिखा है साथियों हिंदी में कि प्रशिक्षण के संबंध में हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है, इसमें लिखा है कि सेवा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। तो जैसे कि हमारा 240 बेड का अस्पताल है, इसमें जो है CMS रहता है, CMS इक्वल टू CMO होता है, CMO पूरे जिला में होता है, जो CSC PSC का जो है इंचार्ज होता है। और जो 200+ बेड के हॉस्पिटल होते हैं, उसमें CMS मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इंचार्ज होता है। तो साथियों, विद्यार्थी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नाम एप्लीकेशन लिखा है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए विषय, कहने का मतलब है हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, प्रशिक्षण के संबंध में, और आप ऐसे लिख सकते हैं, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, आपका जो भी नाम है, अपने पिता का नाम, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम, फिर किस जगह से हैं, जैसे लखनऊ से हैं, अगर फोर्थ ईयर में है, आप बी फार्मा में है, तो लिखिए फोर्थ ईयर का छात्र हूँ, मेरे विद्यालय द्वारा किसी चिकित्सालय में 45 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने हो निर्देश किया गया है, अतः महाविद्यालय द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अनुरोध करता हूँ कि मुझे निर्देशानुसार प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रार्थी आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम, आप बी फार्मा है, किस कॉलेज से हैं, वो एड्रेस रहेगा, और आपका मोबाइल नंबर जो है रहेगा। साथियों, एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ आप जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म इस तरह से, साथियों एक तो ये कवरिंग लेटर मिलेगा साथियों, उसके बाद ये देखिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म है साथियों, जिसमें सेक्शन 1 है, जो कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जब इशू किया जाता है विद्यार्थी के द्वारा भरा जाता है। इसमें विद्यार्थी का नाम रहता है, विद्यार्थी के पिता का नाम रहता है, एड्रेस रहता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल या HOD साइन करके मोहर लगा देता है। सेकेंड सेक्शन है जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर भरता है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर का नाम, कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, साथ ही साथ हॉस्पिटल का नाम, और विद्यार्थी का साइन या इको यहाँ ले लिया जाएगा, और ट्रेनिंग स्टार्ट डेट डाल दी जाएगी। थर्ड सेक्शन में साथियों क्या होता है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर के द्वारा भरा जाएगा। सबसे पहले अप्रेंटिस मास्टर का नाम होगा, साथ ही साथ नीचे फिर नेम ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थी का नाम होगा,
और उसमें विधिवत लिखा होगा कि ट्रेनी आई एग्री हिम टू, मतलब पूरी जो है उसमें सिस्टम लिखा होता है कि मतलब आप क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे रीडिंग, ट्रांसलेशन, कॉपाइंग, प्रिस्क्रिप्शन, चेकिंग द डोजेज, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग का मास्टर का सिग्नेचर होता है। साथियों फोर्थ सेक्शन में विद्यार्थी का नाम, फिर ये लिखा होता है कि अंडर गो हावर्स, कितने घंटे की ट्रेनिंग है। अगर आप डी फार्मा है तो 500 घंटे लिखना होगा, अदरवाइज बी फार्मा 150 घंटे, फिर उसके बाद कितने मंथ की है, अगर डी फार्मा है तो 3 मंथ और बी फार्मा है तो 45 डेज का, और किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक आपने ट्रेनिंग किया है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। कि जैसे 20 को स्टार्ट हुई किसी विद्यार्थी की और फिर ख़त्म कब हुई किस मंथ में वो लिखना है, उसके बाद जो है डेट। और फिफ्थ कॉलम जो है रिपीट, कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाएंगे प्रिंसिपल वहाँ पे जिस डेट में जाएंगे उसकी डेट डाल के विद्यार्थी का नाम लिख के वेरीफाई कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको पीसीआई में जो है इस फॉर्म को लेके जाना होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे या किसी साइबर से जाके जो है, और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करके और जितने भी पैरामीटर हैं कंप्लीट करके उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन के साथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म 3 जो है लगेंगे, और एक आपका फ़ोटो। फोटो इसलिए लगता है कि बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर आप फ़ोटो क्यों लेते हैं। साथियों जब विद्यार्थी का कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम दो, एक तो ट्रेनिंग फॉर्म कंप्लीट करके देते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं, उसी में उसकी एप्लीकेशन रहती है और कवरिंग लेटर रहता है और आधार की फ़ोटो कापी रहती है, उसी में फ़ोटो लगी रहती है और हॉस्पिटल में लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन रहता है। साथियों साथ ही साथ ट्रेनिंग फॉर्म देंगे, एप्लीकेशन देंगे, फ़ोटो देंगे और एक आधार की फ़ोटो कापी। आधार की फ़ोटो कापी इसलिए देते हैं कि साथियों आपका रेसिडेंस जो है उसमें रहता है और उसको जो है डालना रहता है। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि इसमें आप एजुकेशन के कुछ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपके नाम की स्पेलिंग और आपका मैच कर सकें। जैसे डी फार्मा सेकेंड ईयर में आप आए हैं ट्रेनिंग करने तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, क्योंकि जब आए होंगे एग्ज़ाम देके तब आपकी मार्कशीट नहीं आई होगी, उसी तरह से बी फार्मा का भी सेम करना है। साथियों एक चीज़ और मैं बताऊँगा, बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मैं अस्पताल जाता हूँ तो हमें परेशान करते हैं, पैसे के लिए भी लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप फार्मासिस्ट हैं, आप किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ पूछिए कि सर हमें यहाँ फार्मासिस्ट से मिलना है, आप वहाँ पे जाके आग्रह करेंगे, अनुग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फार्मासिस्ट जो है आपको प्रॉपर लाइन बताएगा कैसे आपका सिलेक्शन होना है, कैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आप दूसरे संवर्ग के आदमी से मिलेंगे तो वो आपके मज़े भी लेगा और आपसे जो है आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग हैं जाके क्लर्क से मिल लेते हैं, क्लर्क से नहीं मिलना है, आप फार्मासिस्ट से ही जाके मिलिए और वो आपका सारा काम कराएंगे। तो साथियों आई होप विद्यार्थी का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसी के साथ विराम देंगे। साथियों नमस्कार।